स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 7.4। डियर स्टूडेंट, येस्टरडे वी हैड कंप्लीटेड अंटिल क्वेश्चन नंबर 6। टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज रुपीज 250। एक चेयर की कॉस्ट है वो है 250। एंड और कॉस्ट ऑफ ए टेबल, और एक टेबल की जो कॉस्ट है 700 रुपीज़ है। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है ऑफ 15 टेबल एंड 90 चेयर्स की। हमें 15 टेबल और 90 चेयर्स की हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। ओके, मैं आपको इस क्वेश्चन को एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ, कोई दूसरा एग्जांपल देके। जैसे देखो, आपने वन पेंसिल खरीदी है, ठीक है। वन पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपीज़, ठीक है। एंड वन पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल एंड 5 पेंस। इनकी हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखो, वन पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है, सबसे पहले हम 3 पेंसिल की कॉस्ट तो निकालने कितनी आएगी। तो जब 1 की 5 है तो 3 की ज़्यादा होगी ना, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 15, और 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, 10। तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी, ये भी ज़्यादा हो जाएगी, 50। अब हम क्या करेंगे, दोनों की टोटल कॉस्ट निकालेंगे कितनी निकली है। तो हम जो मल्टीप्लाई करके आया है, हमारा पेंसिल की कॉस्ट का कितना है, 15, ओके। और पेन की कॉस्ट का क्या है हमारे पास, 50। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, कितना आया, 65। मींस पेंसिल और पेन दोनों की कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, 65। ओके, ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, इसमें चेयर और टेबल दे रखा है। तो हम सबसे पहले वन चेयर की निकाल लें, वन चेयर कॉस्ट कितनी दे रखी है, 250 रुपीज़। ओके, अब इसने देखो कितनी चेयर्स की पूछी है यहाँ पे, 90 चेयर की, ठीक है। तो हम यहाँ 90 चेयर की कॉस्ट निकालेंगे, 90 चेयर की कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 को करेंगे 0, 0 से 5 को करेंगे 0, 0 से 2 को करेंगे तो 0, ठीक है। अब नेक्स्ट, नीचे सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। 9 से 0 को करेंगे 0, अब 9 से 5 को करेंगे 9 5 जा 45, का 5 लिखेंगे और कैरी 4। अब 9 से 2 को, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, ओके। इसको ऐड करेंगे 0 0 5 2 2, कितनी आई है हमारी चेयर की कॉस्ट, 22,500 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या निकालना है, एक टेबल की। अब हमें एक टेबल की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 700। तो हम एक टेबल की कॉस्ट लिख लेंगे यहाँ पे 700। हमें कितनी टेबल की निकालनी है, ऊपर कितना लिखा है हमारे पास, 15। तो हम 15 टेबल की कॉस्ट निकालेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 700 मल्टीप्लाई 15। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट से करते हैं, 5 से 0 को करेंगे 0, 5 से 0 को करेंगे 0, 5 से 7 को करेंगे 5 7 जा 35, ठीक है। अब नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे, 1 से 0 को 0, 1 से 0 को 0, और 1 7 जा 7, ठीक है, 0 0 5, अब 3 प्लस 7 10। तो अब हमारी टेबल की कॉस्ट कितनी आ गई, 15 टेबल की 10,500। अब हमसे इसने क्वेश्चन पूछा था, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। टोटल मतलब क्या होता है, कुल लागत, क्या कुल, हमें कुल लागत निकालनी है दोनों की कितनी आई है। तो हम कैसे निकाल दें, इसको और इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या आया है हमारी, पहले चेयर की ले लेते हैं 22,500, ठीक है। इसमें कितना प्लस करेंगे, 10,500 को, दोनों की टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, 0 का 0 0 का 0, 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 2 प्लस 0 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, तो कितनी आ गई, 33,000 रुपीज़। अब दोनों की कॉस्ट आई है ये टेबल एंड चेयर की 33,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
देयर आर 2,120 स्टूडेंट इन आ स्कूल, एक स्कूल में 2,120 स्टूडेंट्स हैं। ईच स्टूडेंट, ईच मतलब मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है, प्रत्येक, हरेक, एक, ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट, कंट्रीब्यूट मतलब होता है सहयोग, ₹85 टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, मीन्स प्रधानमंत्री राहत कोष फंड, ठीक है। मतलब कि क्या बोला इस लाइन ने, ईच स्टूडेंट मतलब कि प्रत्येक स्टूडेंट सहयोग करता है प्रधानमंत्री राहत कोष फंड में, कितने रुपए, ₹85। आगे पूछा है हाउ मच डिड द स्टूडेंट कंट्रीब्यूट टू द फंड, तो बताओ कितने स्टूडेंट कंट्रीब्यूट में, सॉरी बताओ स्टूडेंट ने कितने मतलब कि फंड में कितना कंट्रीब्यूट किया होगा। अब आप खुद ही सोचो, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। आपके आपकी एक गुल्लक है, ठीक है, आपने उसमें ₹10 डाले, आपकी फैमिली में 10 मेंबर हैं, ठीक है, 10 मेंबर्स ने मिलकर उसमें 10 10 रुपीज़ डाले, तो वो पैसे कितने ज़्यादा हो गए होंगे, ठीक है। आपने तो 10 डाले और 10 फैमिली जो आपके 10 जो अदर हैं, नाना चाचा मम्मी पापा भाई बहन, उन्होंने भी 10 10 रुपीज़ डाले, ठीक है, तो वो पैसे क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा के लिए क्या किया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, कितने हो गए हमारे पास, ₹100 हो गए। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, कहता है प्रत्येक स्टूडेंट ने हमें कितने पैसे उसने रिलीफ फंड में डाले हैं, ₹85, ठीक है। तो 2,120 स्टूडेंट्स अगर पैसे डाले तो कितने पैसे हो जाएंगे, तो ज़्यादा ही होंगे। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो हम क्या लिखेंगे, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट टू रिलीफ फंड ₹85, 2,120 स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट टू रिलीफ फंड, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 0 को करेंगे 0, 5 टू जा 10, कैरी 1, 5 वन जा 5 प्लस 1 6, 5 टू जा 10, ठीक है। नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे, 8 से 0 को करेंगे 0, 8 टू जा 16, कैरी 1, 8 वन जा 8 प्लस 1 9, 8 टू जा 16, ओके। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 6 प्लस 6 12, कैरी 1, 0 प्लस 9 9, 9 प्लस 1 10, 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8 और 1 का 1, ठीक है। अब कितना आ गया ये, 1,80,200 रुपीज़ सभी स्टूडेंट्स ने दिए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 350 पीपल टुक ए ट्रिप, ट्रिप मीन्स क्या होता है, जहाँ बार घूमने के लिए जाते हैं ना, ट्रिप, फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे, 350 लोग जाते हैं कहाँ, बॉम्बे टू पुणे के लिए जाते हैं, ठीक है। कहता है ईच पर्सन, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक पर्सन है, स्पेंट मतलब खर्च करना, जो प्रत्येक आदमी है वो खर्च कितने करता है, 590 ऑन द ट्रिप, ट्रिप पर वह है 590 रुपीज़ खर्च करता है। वट वॉज द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप, तो बताइए कितना अमाउंट खर्च हुआ उस ग्रुप के द्वारा, जो ये 350 पीपल गए थे उनमें कितना पैसा खर्च किया होगा उस ट्रिप पर, ठीक है। अब इसने हमें किसका दे दिया, वन का दे दिया, कि भाई एक आदमी ने इतने रुपए खर्च किए हैं, और कितने को पूछ रहा है, 350 लोग कितने खर्च करेंगे। सिंपल सी बात है, जब एक आदमी ने 590 कराया है तो 350 लोग खर्च करेंगे, तो ज़्यादा ही करेंगे ना, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ईच पर्सन स्पेंट ऑन द ट्रिप 5,590 रुपीज़, ठीक है, एंड 350 पीपल स्पेंट ऑन द ट्रिप, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई आप खुद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस इज ₹35, 1 किलोग्राम राइस की कीमत कितनी है, ₹35, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 25 किलोग्राम ऑफ राइस, तो बताइए 25 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी होगी भाई, 1 किलोग्राम मीन्स 1 किलो चावल 35 रुपीज़ के आते हैं, तो बताइए 25 किलो कितने के आएंगे, फिर कितने के आएंगे, ज़्यादा के ही आएंगे ना, ज़्यादा के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी सम है आपके लिए, आप इसे खुद करोगे। मैं एक बार हेडिंग बता देती हूँ आपको, 1 किलोग्राम राइस कॉस्ट लिखेंगे, 1 किलोग्राम चावल की कीमत है ₹35 एंड 25 किलोग्राम राइस की कीमत निकालनी है भाई, 25 तो
ज़्यादा ही निकलेगी 25 की, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मीना कैन मेक 450 पेपर बैग्स इन अ डे, अगर मीना एक दिन में 450 पेपर बैग्स बना सकती है, हाउ मैनी पेपर बैग्स कैन शी मेक इन 365 डेज। तो बताइए वह 365 डेज में कितने पेपर बना सकती है, कितने पेपर बैग बना सकती है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अब मान लो आप एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 5 चॉकलेट खाते हो, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ 5 डेज में कितनी चॉकलेट खा लोगे। भाई एक दिन में आपने 5 खाई ना, तो 5 डेज में तो ज़्यादा ही खाओगे। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 25। तो आपने 5 डेज में कितनी चॉकलेट खाई, 25। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें एक लड़की मीना है, वो पेपर बैग बनाती है एक दिन में कितने, 450। ठीक है, अब कहता है हाउ मैनी पेपर बैग कैन शी मेक इन 365 डेज। तो बताइए वह 365 डेज में कितने पेपर बैग बना सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हेडिंग इसकी, इन वन डे मीना मेक्स, ठीक है, एक दिन में मीना बनाती है 450 पेपर बैग्स, फिर इन 365 डेज में वह बनाएगी कितने, ज़्यादा ही बनाएगी। ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करनी है मल्टीप्लाई, 5 से 0 को करेंगे 0, 5 को 5 से करेंगे 5, 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22। ठीक है, अब हम नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे, सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड की डिजिट क्या है हमारी 6, 6 से 0 को करेंगे 0, फिर 6 से 5 को, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, अब 6 को 4 से, 6 4 जा 24, 24 और 3 27। ठीक है, अब हम नीचे फिर 2 क्रॉस के साइन लगाएंगे, क्योंकि हम थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से 0 को करेंगे 0, 3 से 5 को करेंगे 3, 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, 0 का 0 5 प्लस 0 5, 2 का 2 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 और 1 का 1, ओके। तो हमारा कितना आया, 1,64,250 पेपर बैग बनाती है वो, कितने दिन में, 365 डेज में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, ए बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स है उसमें 345 एप्पल्स हुए हैं, ठीक है, एक बॉक्स है, जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसमें हम इसको कार्टून भी बोलते हैं ना, एक कार्टून में 345 एप्पल्स हैं, ठीक है, अब कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन 275 सच बॉक्सेस। तो बताइए कितने एप्पल होंगे उसमें 275 बॉक्सेस में, ऐसे ही 275 बॉक्स बना दिए और बताइए उसमें कितने एप्पल होंगे। भाई वन में ही 345 हैं, तो ऐसे ही इतने सारे 275 बॉक्सेस में तो ज़्यादा एप्पल होंगे, है ना, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक इजी सा और एग्जांपल सा बताती हूँ कि एक पैकेट में 10 टॉफीज हैं, ठीक है, अब बताइए 10 पैकेट में, 10 पैकेट में कितनी टॉफीज होंगी। भाई ज़्यादा ही तो होंगी, वन पैकेट में तो 10 टॉफी है, ठीक है, अब बताइए 10 पैकेट में कितनी होंगी, ज़्यादा होंगी, कितनी, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 100, मीन्स 100 ट्रॉफी होंगी। ठीक है, ऐसे ही ये है, इसमें एप्पल्स की बात करिए, एक बॉक्स में 345 एप्पल हैं, तो पूछ रहा है 275 बॉक्सेस में कितने एप्पल होंगे, टोटल नंबर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स में एप्पल हैं 345, और फिर 275 बॉक्सेस में कितने होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई आप खुद करोगे, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।